अखिलेश जी हम ही तो बोल रहे हैं, अखिलेश तो बोलते ही नहीं है। ये इल्जाम आप अखिलेश पे लगा रहे हैं? 100%। हम जब मीडिया में बोले कि हम आजम साहब से मिलने जाएंगे तो दौड़े दौड़े भागे घर को। हमसे इसी मीडिया ने कहा था ऑफ रिकॉर्ड, मिला देखो अभी तुम एक 24 घंटे में तमाशा देखो। हमने करा दिया, जा रहे हैं, भागे वहां पर। आजम खां का जिक्र करिए ना, अखिलेश क्यों नहीं बोलते आजम खां का नाम? बकरी चोरी भैंस चोरी का इल्जाम आजम खां पे नहीं बोलते, क्योंकि वो बोलेंगे तो फिर 81% का क्या होगा? लड़ाई वही है मेरे भाई, समझा करिए बात को। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का पूरा परिवार जेल में है, उनके पक्ष में सिर्फ हम ही बोलते हैं। आजम पर हमारी पीछे भारी पड़ी है, अखिलेश तो कुछ बोलते ही नहीं है। अखिलेश पर ये हमारा सीधा इल्जाम है। टीवी चैनल News24 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आजम खान भैंस बकरी और किताब चोरी के इल्जाम में जेल में है, उन पर जो आरोप लगे हैं वह सब गलत है। एंकर के ये पूछने पर कि आजम ने मोदी योगी का विरोध किया तो जेल पहुंच गए, ओवैसी इतना बोलते हैं पर कुछ नहीं होता। अखिलेश जी हम ही तो बोल रहे हैं, अखिलेश तो बोलते ही नहीं है। ये इल्जाम आप अखिलेश पे लगा रहे हैं? 100%। हम जब मीडिया में बोले कि हम आजम साहब से मिलने जाएंगे तो दौड़े दौड़े भागे घर को। हमसे इसी मीडिया ने कहा था ऑफ रिकॉर्ड, मिला देखो अभी तुम एक 24 घंटे में तमाशा देखो। हमने करा दिया, जा रहे हैं, भागे वहां पर। आजम खां का जिक्र करिए ना, अखिलेश क्यों नहीं बोलते आजम खां का नाम? बकरी चोरी भैंस चोरी का इल्जाम आजम खां पे नहीं बोलते, क्योंकि वो बोलेंगे तो फिर 81% का क्या होगा? लड़ाई वही है मेरे भाई, समझा करिए बात को। उन्होंने कहा कि सरकार को आजम खान की एक नियुक्ति पर अपराध दिख जाता है और लखनऊ से आगरा तक रिवर फ्रंट और एक्सप्रेसवे पर कुछ दिखता ही नहीं है। ये जो लखनऊ से कानपुर आगरा तक जो रोड बनी, रिवर फ्रंट बना, इतने बड़े बड़े काम किए गए, इसमें मोदी जी को कुछ नजर नहीं आया? आजम खान का अपॉइंटमेंट नजर आ गया? कौन भी टीम है? एआईएमआईएम चीफ ने कहा कि हम कोई बिजनेसमैन नहीं है, हम एक सामान्य सांसद और राजनीतिक करने वाले इंसान हैं। कहा कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम किसी अन्य दल से गठबंधन नहीं करेंगे या गैर मुस्लिम लोगों के पक्ष में नहीं बोलेंगे वह गलत है। इस सवाल के जवाब में कि क्या वे सरकार बनाने के लिए सीटें घटने पर भाजपा या सपा को समर्थन देंगे, वे बोले ये चुनाव परिणाम आने पर ही बताऊंगा। कहा कि योगी और अखिलेश यादव दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। एक ठाकुरवाद को फैला रहा है तो दूसरा यादववाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में दोनों में से किसी एक को दुश्मन नंबर वन नहीं कहा जा सकता है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी बोले कि मुरादाबाद मंडल में 50% मुस्लिम है, इसीलिए यहाँ नहीं आए हैं, बल्कि मुरादाबाद के लोगों को उनके अधिकार और हक के बारे में जागरूक करने आए हैं। कहा कि मैं तो पूरे प्रदेश के लोगों से मिल रहा हूँ और निजाम के अन्याय के खिलाफ लोगों को बता रहा हूँ। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें रोजाना धमकी मिलती है, लेकिन वे इससे परेशान नहीं है। कहा 60 साल से हम पर कभी आतंकवाद कभी फिराक परस्ती का इल्जाम लगा। बोले हमारी कौम 19% है और हमारे विरुद्ध सब लगे हैं। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। इसके साथ ही ऐसी और भी खबरें पाने के लिए देखते रहे MIM News Express।